यूथ बीजेपी है, है। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ करो, बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ करो, नौकरी के नाम पर लोगों को नौजवानों को ठगने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 नौजवानों को ठगने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ एक विश्वासघात किया है नौकरी के नाम पर, उसी के विरोध में पैंथर्स पार्टी आज सड़कों के ऊपर उतरी है। नौजवानों के साथ झूठे वादे किए गए और पिछले 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के नाम पर इन नौजवानों को इस्तेमाल किया, इनके वोट हासिल किए, इनको इलेक्शनों में इस्तेमाल किया और उसके बाद सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। कई कई हजार नौकरियों के वादे किए लेकिन कोई नौकरियां यहां जम्मू कश्मीर में नहीं दी गई और प्रधानमंत्री महोदय ने 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया। इतना झूठ नौजवानों के साथ बोला गया, उनको छला गया, उनको ठगा गया और उसके बाद आज नौजवान सड़क के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो चुका है। जिस तरीके से डेली वेजर आज निराश हुए हैं, इनको इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पक्का करने का वादा किया था लेकिन कोई भी इस संदर्भ में इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए सरकार ने मजबूर किया, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो डेंटल सर्जन हैं, चाहे वो BSF, CISF के एस्पिरेंट्स हैं, बॉर्डर बटालियंस के लोग हैं, और जहां तक के लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ था 2019 से पहले उस सिलेक्शन लिस्ट को भी खारिज कर दिया गया। इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई के लिए, इसकी तैयारी के लिए बहुत खर्चा भी किया हुआ था, वो सारा का सारा जो है वो सरकार ने जो है वो फजूल कर दिया और इन नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आज तमाम युवा जो हैं, चाहे वो रैबरे खेल के नौजवान हैं, चाहे वो NYC के हैं, चाहे वो NYV के हैं, चाहे वो समाग्रा के टीचर्स हैं, चाहे वो कंट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इन नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया है आज टाइम है कि उसका एक करारा जवाब दिया जाए। जब पैंथर्स पार्टी के पास एक मिनिस्ट्री आई थी, मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया और एक भी शिकायत उस संदर्भ में नहीं आ सकी। उस पारदर्शिता का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुआ कि इतने पारदर्शिता के साथ और इतने बड़े पैमाने के ऊपर भर्तियां जो हैं वो सिर्फ पैंथर्स पार्टी कर सकती है। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक करारा जवाब दीजिए और पैंथर्स पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी होगी, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगी और इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार और युवा विरोधी सरकार को जवाब देने का अब समय आ चुका है। उठ खड़े होइए, पैंथर पार्टी शाना बशाना आपके साथ लड़ेगी, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगी और बेरोजगारी इसके दानव को ख़त्म करना है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नेस्ता नाबूद करना होगा।